न्यूज 36 के जम्मो दर्शक मन ला सुनील टाइगर के जय जोहार। और आप मन देखत हो छत्तीसगढ़ के पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल न्यूज 36। हमर कार्यक्रम हमर पहुना मा आप मन के स्वागत है। और हमर पहुना कार्यक्रम मा हमन छत्तीसगढ़ के वो पहुना मन से आप मन के मुलाकात करवाथन जेन मन कुछ विशेष आप मन के सामने मा लेके आए रहे थे, कुछ विशेष काम करते समाज बर, हमन बर, आप मन बर, खुद बर और एक मिसाल समाज में कायम करते। तो आज के हमर जौन पहुना है ओला कोई विशेष जान पहचान करवाए के जरूरत नहीं है, काबर के जाने माने कलाकार है। एक यूट्यूब चैनल एमन चलाते द एडीएम शो और बहुत लोकप्रिय छत्तीसगढ़ी के चैनल है। तो ये यूट्यूब चैनल के जो कलाकार है आनंद मानिकपुरी और उकर जो भाई है तुषार मानिकपुरी, ओमन आज हमारे स्टूडियो में आए हैं हमारे पहुना के रूप में और ओमन ले हमन गोड बात करबो। तो आनंद भाई, तुषार भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप मन के हमारे कार्यक्रम में। जय जोहार। जय जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल जवाब करे के पहली मैं ये चाहत रहे हूँ आनंद भाई कि जो आपके साथी मन है वह या चाहने वाला जोन है जो मन आप मन के कार्यक्रम ला देखते और पसंद भी करते, वो मन आपके जीवन के बारे में जानना चाहिए कि कैसे आपके जीवन है, निजी जीवन का है आपके, कैसे परिवार से आप मन आता कहाँ के रहैया। तो थोड़ा सबले पहले तो आप अपन निजी जीवन के बारे में बताओ। सॉरी, तो सबसे पहले तो मोर नाम है आनंद दास मानिकपुरी और मैं यहाँ अभी रहता हूँ बिलासपुरे में, मंगला में हमन के घर हवा है। अच्छा, मोर स्कूलिंग हो है ये बहुत जन मन नहीं जाना थे, मोर दर्शक मंत्री मैं बता देता हूँ। मोर जो प्राइमरी स्कूलिंग हो है वो है ग्राम रिजदा। अच्छा, मस्तूरी के पास में हवा है, वहाँ से मैं स्कूलिंग करे हूँ। नवी दसिक पढ़ाई करे हूँ मस्तूरी ले और ग्यारहवीं के बाद जितना पढ़ाई हो है पूरा बिलासपुर में हो है। तरह इंजीनियरिंग करे हूँ। अच्छा, इंजीनियरिंग करे के बाद मैं 6 साल जॉब भी करे हूँ और जॉब करे के बाद तहाँ यूट्यूब स्टार्ट करे हूँ रिजाइन दे के जॉब ला। और घर परिवार के बारे में ऐसे है कि अम्मा बाबूजी है, भाई बहनी है और सबके बहुत सपोर्ट रही थे। अच्छा, और सपोर्ट तो ऐसे हवा कि यूट्यूब में डाले के पहली हमारे घर में पहली दिखाए पड़ते वीडियो ला एलईडी में बड़े वाला। अच्छा, ताकि मन पूरा मजा ले सके। हाँ हाँ, ओकरा दुमा से जब पास हो जाए तो फिर हम यूट्यूब में डालते हैं। माने एक प्रकार से कहे जाए कि पास करे वो मन करा भेजे वो पड़ते घर के मन करा, है ना। अब देखा हमार पूरा जो यूट्यूब चैनल हवा ना पूरा हाँ। पारिवारिक कॉमेडी करता ना मन को बिल्कुल भी मैं अश्लीलता वगैरह कुछ मन ऐसे नहीं रखन जिन समाज ला गलत संदेश देवे इसी की के। तो हमारे अपन परिवार के सहभागिता भी रखे हैं ना वो माँ ओकरे सेती बा सब परिवार बैठ के देख सके इसे टाइप से मैं पूरा मटेरियल तैयार करथन तो पहले वह मन दिखा देते हैं। हाँ हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है। माने परिवार है सेंसर बोर्ड के काम करते के लिए हाँ, हाँ। के अगर कोई चीज है लगा थे कि देह गड़बड़ है तो एला काट पहली तेकर ले आगू ओला चैनल में डालबे। पूरी तरीके से तो वैसे नहीं है, उमन सलाह दे काम करते और अगर वो सलाह कभू ज़्यादा हो जाते हाँ। अगर हम अमल नहीं कर पावन तो हमन कहानी थोड़ा चेंज कर देते हैं और अगर सलाह अच्छा रही थी तो वो हिसाब से कन्वर्ट भी कर देते हैं कहानी ला। तो तुषार भाई जी, हाँ आप मन के छोटे भाई है ना, तो तुषार भाई आप मन के पढ़ाई लिखाई कहाँ हो है? मोर पढ़ाई लिखाई तक महू पहले गाँव में रहें, प्राइमरी में गाँव में ही करे हूँ, ओकर बाद मिडिल हाई स्कूल फिर कॉलेज महू इंजीनियर हूँ। अच्छा, पूरा बिलासपुर में हूँ। बहुत बढ़िया बात है, आपन दोनों के दोनों इंजीनियरिंग करे हो। तो इंजीनियरिंग करे के बाद हर कोई के सपना रहता है कि इंजीनियर बन गए तो आप कोई बड़े कंपनी में काम करे हो, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करे हो। आप मन ये चीज ला छोड़ के एक्टिंग के क्षेत्र में कैसे आए? देखा एक थोड़ा सा एक पास्ट ला बता देता हूँ मैं। अच्छा, कि
मैं मोर शुरू से सपना रही से कि मैं कुछ अलग करूँ, कुछ हटके करूँ। तो वो वही सोच में कि मैं कहाँ करूँ इसी की के बहुत सारा मैं काम ट्राई करें जब मैं अलग कुछ कर सकूँ इसी की के। साथ में मोर ये सपना भी रही से कि मैं अपन छत्तीसगढ़ के लिए भी कुछ कर सकूँ। तो ये जो सपना है ना ये पूरा हुई से यूट्यूब के माध्यम से, जब मुझे यूट्यूब के बारे में पता चली से। अच्छा, तो वही मिक्स हुई से तो हाँ जब मैं करना शुरू करें तो इतना आनंद आना शुरू हुई से। तो इंजीनियर तो मैं भुला गया हूँ और बस मैं रम गया हूँ तो हाँ शुरू कर दिए ना। अच्छा सर, बहुत बढ़िया बात है। तो आप मन जैसे पर्दा के सामने आप मन देखथन कलाकार के रूप में आप एक्टिंग करत नजर आता, तुषार भाई का करते हो माँ? तुषार का क्वेश्चन, तुषार जी आप मन का करता हो माँ? आपके काम एक्टिंग के रही थे कि पर्दा के पीछों के काम करता हो? अच्छा, मोर ज़्यादातर काम पूरा सिनेमेटोग्राफी के रही थे। अच्छा, एक्टिंग कम रही थे। मतलब पर्दा के पीछे ही काम करता हूँ इसे समझ लो। और जैसे एक्टिंग की जरूरत भी रही थे तो पर्दा के सामने भी आ जाते और पर्दा के पीछे तो रहते ही, लेकिन साथ में यह पूरा तरीके से भागीदारी थी एक्टिंग तक में। अच्छा, मतलब जरूरी है कि एक्टिंग जो करा थे ओला एक्टिंग के बारीकी भी ला बताना कि कहाँ मेरे गलत होते कहाँ मेरे सही होते, और कैमरा के पीछू रह के होकर बिल्कुल देख रेख करना कि कैसे उमा पिक्चराइजेशन होते कैसे आवा थे, है ना जी? बिल्कुल। तो वो काम तुषार भाई करते। तुषार हमारा सलाह भी देते पर्दा के पीछे से कि नहीं तुमने इसे करा था तो अदर डायरेक्शन ही कर लेते। तो आनंद भाई ये काम के शुरुआत कहाँ ले हुई? कब आप मन सोचे हो कि मोला YouTube चैनल बनाना है और द ADM सो लेके आना है और एला चालू कैसे करे हो? कौन आपके शुरुआत में साथ देश कैसे कर शुरुआत हुई तेला थोड़ा सा बताओ। देखा तो सबसे पहले तो हम लोग कोई आइडिया ही नहीं रही से कि यूट्यूब में आम जनता भी है अपन वीडियो बना के डाल सकते थे, क्योंकि जब मैं यूट्यूब में देखा शुरू में तब मोला ये लगे कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस मन अपन वीडियो बना के में डालते ऐसे करके, लेकिन समय के साथ साथ हम लोग ये भी पता चल गई कि आम जनता भी अपन वीडियो बना के वहाँ डाल सकते हैं। तो शुरू में हम बड़े बड़े यूट्यूबर्स आवे हिंदी भाषी जीवन के, जैसे आशीष चंचलानी हो गए, बीबी की वंश, भुवन बाम, अमित भडाना, ये सब के लिए हमन देखन। सबसे पहले तो मुझे पता भी नहीं रही कि यूट्यूब में आम जनता भी अपन वीडियो बना के डाल सकते कि ठीक है। मुझे पहले ये लगा कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस आवा है मुंबई दिल्ली बड़े बड़े शहर के मन बना के अपन वीडियो डालते कि के, लेकिन समय के साथ साथ हमें पता चलत गई कि आम जनता भी है अपन वीडियो बना के डाल सकते हैं। हाँ। और मुला कुछ करे के जज्बा तो है पहले से रही से, कुछ अलग करना चाहते रहे मैं, फेमस होना चाहते रहे मैं, और साथ में मुला छत्तीसगढ़ के लिए भी करे की बहुत इच्छा रही से। तो जब रायपुर में जॉब करते रहे तब आइडिया मुझे क्लिक कर गई रही से कि ये करना है कि के, ओकर बाद मोर ट्रांसफर राजनांदगांव हुई। अच्छा, तो धीरे धीरे का हुई जो अलग करे कि मोर जज्बा इस ना मोर ऊपर इतना हावी होगी से कि मोर काम करे की बिल्कुल इच्छा खत्म होगी से। अच्छा, जो 9-10 से 5:30 वाला जो जॉब रही से ना ओकर से मैं उब गए रहे हूँ। और मुला तहाँ फिर वहीं से एक मान के चला शुरुआत होगी से, तहाँ फिर मैं सोचे कि अब चैनल शुरू करे जाए एमा मैं कुछ कर सकता हूँ, कबर की मोर आइडिया बहुत आवा कि ऐसे किए जा सकते थे वैसे किए जा सकते थे। हाँ, हाँ। बाहर की वीडियो मैंने देखा था तब मैं कहें वो आइडियल अमल करे के समय आ गए हैं तो अब कहें शुरू कर दिए जाए कि के, तहाँ सितंबर 2017 में शुरू भी कर दिए और ये देखा आज लगभग 1,80,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं आप मन के दया कृपा से, दया माया से, दर्शक मन के प्यार से। बहुत बढ़िया बात है आनंद भाई कि आप मन ला जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोगन मन है वह जो दर्शक मन है मन इतका प्यार और दुलार देवा थे और इतका आपके सोल पसंद करे थे। 1,00,000 और कितना कहा 80,000 सब्सक्राइबर, बहुत बड़े बात है, बहुत अच्छा बात है और वाकई आप तरक्की के राह में चला था, बहुत अच्छा है। आनंद भाई एक प्रेरणा आप लोग कहाँ से मिली, कैसे सोचे हो आप मन की मैं यूट्यूब चैनल ही बना हूँ, फिल्म भी बना सकत रहे हो कि आओ भी कुछ काम कर सकत रहे, स्टेज प्रोग्राम कर सकत रहे, यूट्यूब बनाए के प्रेरणा कैसे मिली? देखा आइडिया मोलावे कि
बनाया जा सकत है वीडियो, ठीक है। हाँ। अब वो आइडिया ला अमल करे बा मैं एक दो बार सोचे भी, मैं कोशिश करे पता करे कि वीडियो बनाए के तो बहुत खर्चा पता चली मोला। अगर मैं मूवी बनाए जाऊँ तो लाखों के वहाँ इन्वेस्टमेंट लगी शुरू में। यूट्यूब एक ऐसे प्लेटफॉर्म रही से जेमा शुरुआत में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना रही से, शुरुआत में अपन मोबाइल धरो बस शूटिंग करो और यूट्यूब में डाल दो। अच्छा, बस ये फैसिलिटी हमला यूट्यूब अधिस ओकर सेती में यूट्यूब में अपन स्टार्टिंग ला करे वहाँ। बहुत बढ़िया बात है कि शुरुआत करे बा जज्बा होना चाहिए, पैसा जरूरी नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ करे के चाह है तो आप मन सिर्फ पैसा के पीछे मत भागा, बहुत छोटे से स्तर से भी आप मन चालू कर सका था। बहुत बढ़िया बात है आनंद भाई कि आप मन इतना छोटे से चीज ला सोच के और इतना बड़े बनाए हम। तुषार भाई, अगला सवाल हमारे आपसे ये है कि आप मन कैमरा के पीछू रही के बहुत कल टेक्निकल काम ला देखता, तो कौन तरह से एमा पर्दा के पीछू ले काम होते? दर्शक मन जानना चाहिए कि पर्दा के सामने में जो एक्टिंग होते वो तो दिखाए थे मन ला, लेकिन ओकर पीछू कतका मेहनत तो होते ओला हमारे दर्शक मन जानना चाहिए। मतलब पर्दा के पीछे जो भी काम होते वही ना दर्शक मन देखते पहले तो, कि ओमा पूरा काम रहते कैमरा कैसे चलना है, सामने सीन का है। अच्छा, डायरेक्शन भैया ही करते तो सीन ला मोला भैया ही बताते कि ऐसे सीन रही ओकर हिसाब से कैमरा के चलना होते, और फिर ओकर बाद एडिटिंग के काम होते। ताहले एडिटिंग के बाद पूरा जब वीडियो बन जाते तेन ला दर्शक मन देखते। अच्छा, तो आप मन पर्दा के पीछू के काम ला संभालता, साथ में एक्टिंग भी करता, अपन बड़े भाई के साथ भी देता। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया हमला देखे को मिला था कि दोनों भाई के बीच के माया और समझ बहुत अच्छा है वे। तो आनंद भाई अभी बीच में छोटे से एक ब्रेक लेवो, दर्शक मन ला भी मैं कहना चाहता हूँ कि अभी बेरा एक ठन छोटकन ब्रेक के है, अपन कहूँ जहाँ झन देखत रहो हमार कार्यक्रम हमर पहुना, जमा आप मन के लोकप्रिय और मयारू जो कलाकार मन है वो मन आए हुए हैं द एडीएम शो के, और आगू अभी हम मन ला आओ भी जानकारी दी एडीएम शो से जुड़े हुए। तो देखत रहो हमार कार्यक्रम हमर पहुना। के बाद एक बार फिर स्वागत है आप मन के हमर कार्यक्रम हमर पहुनामा, और अपन देखा था न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज, छत्तीसगढ़ के पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल। हमर पहुना कार्यक्रम में आज के जो हमर पहुना है एडीएम शो द एडीएम शो के कलाकार आनंद और तुषार, दोनों भाई है, दोनों जी एक साथ काम करा थे एडीएम शो के माध्यम से। एवन एक सो यूट्यूब में चलावा थे, उमन से अमन सवाल जवाब करत रहन। तो तुषार भाई एक सवाल टेक्निकल रही से कि जब अपन ये पूरा कार्यक्रम के शूट करता पूरा कार्यक्रम बना था तो कौन प्रकार के जो सामान है इस्तेमाल करता, कैमरा कौन सा इस्तेमाल करता, लाइटिंग का कैसे रही थे, माइक वगैरह कौन सा इस्तेमाल करता, एक बारे में थोड़ा हमारे दर्शक मन ला बतावा। कैमरा में एक DSLR कैनन के 200D यूज़ करथन रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा। और डे लाइट में ही ज़्यादातर शूटिंग करथन हमन। माइक हवा तेन हा रोड और बोया कंपनी के 2 माइक हवा है, तो जिसना जरूरत पड़ते तिसना हमन ओकर इस्तेमाल करथन। और फिर एडिटिंग के काम आते तो एडिटिंग में हमन कुछ कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करथन, जैसे प्रीमियर प्रो हो गए और फिल्मोरा हो गए, प्रीमियर प्रो हो गए, फिल्मोरा हो गए, ये सब सॉफ्टवेयर यूज करके वीडियो बनाते हैं। अच्छा,
पूरा एक एपिसोड ला रेडी करे मा शूटिंग से लेके एडिटिंग करके पूरा तैयार करे मा कितना समय लग जाथे आप मन ला? देखो शूटिंग के काम ह सने 3-4 दिन लग जाथे और एडिटिंग में जैसे लगत है तो 2 दिन एडिटिंग में लग जाते हैं। तो मतलब एक हफ्ता में एक ठन वीडियो बन जाते इसे समझ। आनंद भाई ये कार्यक्रम के माध्यम से जो आपके चाहने वाला है मैं जो दर्शक मन है जो मन अपन के कार्यक्रम ला देखते पसंद करते वो मन आपसे कुछ सवाल भी पूछना चाहते कुछ सवाल वो मन के मन में है आप मन के जो कार्यक्रम है द एडियम सो ओकर से जुड़े सवाल या कैसे वो मन यूट्यूब में सक्रिय हो सकते है कैसे काम कर सकते है का वो मन ला करना चाहिए अला लेके कुछ सवाल संगवारी मन के है तो वो मन से हमन बातचीत करबो मन अपन सवाल रखी ओकर जवाब आप मन देहाओ। जी बिल्कुल। तो सबले पहली जो हमार दर्शक जुड़ा थे हमन से अभी हमारे दर्शक जुड़ नहीं पाए हमन गुड बात ला आगू रख बढ़ाथन यूट्यूब चैनल जब अपन बनाया 2017 में अपन चालू करे हेलो 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 सर मैं बिलासपुर ले बोला था। जय जोहार। मैं गायक जय जोहार मैं गायिका के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ तो यूट्यूब चैनल कैसे टाइप के बना सकता हूँ ये मोर प्रश्न रही से। देखा सबसे पहली तो बहुत बहुत बधाई भाई आप मल्ला कि आप गायिका के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। जी जी धन्यवाद। तो देखा यूट्यूब बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है आप मन के लिए यूट्यूब और भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म हवे हाँ जेकर आप मन इस्तेमाल करके अपन कला ला आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है तो आप मतलब करना का है अपना सिर्फ ये करना है कि गाना गाना है। ठीक है गाना गाना है चैनल बनाना है ओला यूट्यूब में अपलोड कर देना है। अगर आप मन के कंटेंट अच्छा रही आप मन की गायकी अच्छा रही डेफिनेटली आप मन ला एक ऊंचाई प्राप्त हो सका थे। देखा पूरा जो खेल रही थे ना वो थे कंटेंट की अगर आप मन की कंटेंट अच्छा रही आप मन की गायकी अच्छा रही ना तो बिल्कुल उन्हें बढ़ावा मिली और दर्शक मन के बीच आप मन बहुत अपन पहुंच बना सकत हो। उम्मीद करा था आप मन ला मोर आंसर और अच्छा भी लगी। हाँ अपन का कोई सवाल है? नहीं नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। धन्यवाद। जय जोहार। तो आनंद भाई ये जो जुड़े रही कॉलर हमारे संग में तो एकर जो सवाल रही कि यूट्यूब में कैसे सक्रिय हुआ कैसे चैनल बनाए अपन बढ़िया जवाब दे रहा हम मन ये जानना चाहब हमारे दर्शक मन भी ये जानना चाहिए कि यूट्यूब में चैनल बना लीन अपन वीडियो ला डाल दीन कंटेंट के आप बात कर रहे हो कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए अब ओकर बस सब्सक्राइबर कैसे मिलते? देखा सबसे पहली का है सब्सक्राइबर के लिए खुद ला मेहनत करेल पड़ी खुद के लिए मेहनत ऐसे करेल पड़ी जैसे आप मन वीडियो बनाया यूट्यूब में डाल दिया ओकर बाद सबसे पहली आप मन ला अपन व्हाट्सएप के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से अपन सोशल नेटवर्क जितना है ओकर माध्यम से अपन वीडियो ला प्रचारित करना है तो शुरुआत तो वहीं से हुई सब्सक्राइबर मन के। ओकर बाद यूट्यूब के एल्गोरिदम काम करी ओकर एल्गोरिदम ऐसे हवा है कि अगर आप मन के कंटेंट है जैसे कभी बता में अच्छा रही तो यूट्यूब के एल्गोरिदम ओला रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ओकर बाद वो चारों तरफ प्रचारित करना शुरू कर देते वीडियो ला। अगर वो एल्गोरिदम ऐसे काम करते थोड़ा बहुत आइडिया हवा है कि दर्शक मन के वॉच टाइम जो है अगर शुरू से अंत तक देखा थे तो यूट्यूब ला पता चल जाते वो चीज़ है कि हाँ ये दर्शक मन ला पसंद आवा थे तो हम वही वीडियो मन ला वह सब कोनो तरफ बगराना शुरू कर देते हैं और ओकर माध्यम से तब फिर आप धीरे धीरे सब्सक्राइबर आप मन गेन कर सकते हो धीरे से 1,000-2,000 तहां लाखों में सब्सक्राइबर आप मन प्राप्त कर सकते हो। बहुत बढ़िया जानकारी अपन दे और कुछ हमारे दर्शक मन है जब अपन से बात करना चाहते जैसे ही मन के कॉल आई हम आप मन से बात करवाबो तो अगला सवाल जो है आनंद भाई हमारे लिए कि द एडीएम शो आपके कार्यक्रम के नाम है तो एडीएम के मतलब का है? हाँ देखा एडीएम के मतलब हवा मोर नामे है। अच्छा मोर नाम है पूरा आनंद दास मानिकपुरी। हेलो हेलो हाँ जय जोहार जी। जय जोहार सर। कौन बोला था?
मैं राहुल बोला था। कहाँ ले? बिलासपुर ले। बिलासपुर ले। राहुल जी हमारे साथ में द एडीएम शो के आनंद भाई तुषार भाई मन बैठे हुए हैं। का सवाल है आपका? जी जैसे माहौल है कुछ कॉमेडी वाला वीडियो बना के चैनल मतलब बनाना है तो का करे लो पड़ी स्टार्टिंग में का मतलब लेहल पड़ी बाजार ले कैमरा वैमरा माइक वाइक। अच्छा का नाम बताया भाई अपन? मैं राहुल। हाँ तो राहुल भाई सबसे पहले बता दूं कि शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करे की आप मतलब बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप मतलब काम करो अपन मोबाइल से ही स्टार्ट करो शूटिंग ला। हमन खुद मोबाइल से स्टार्ट कर रहे हैं अपन शूटिंग ला। तो मोबाइल से स्टार्ट करो काबर की वीडियो और ऑडियो दोनों रिकॉर्ड हो जाते हैं। कोशिश करो वीडियो रिकॉर्ड करके एडिटिंग है ना तो एडिटिंग अगर अपन कर लैपटॉप है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मोबाइल में एप्लीकेशन ऐसे बहुत सारा वही में आप बोला एडिट करो ओकरा दोला पोस्ट कर दो और धीरे 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 तो फिर वैसे डेवलप कर जाओ अपन कंटेंट मन ला क्वालिटी ला डेवलप कर जाओ अच्छा कर जाओ धीरे धीरे वीडियो चले लग गया ओकर से अगर पैसा वैसा इनकम होना शुरू हो गए तो हाँ DSLR ले लो धीरे से माइक ले लो धीरे से ऐसे करके अपन आगे बढ़ सकते हो भाई। धन्यवाद सर बताए बस। जी राहुल जी आप मन कॉल करे हो ओकर पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार आनंद भाई। राहुल जी के सवाल जो रहे इसके मैं वीडियो बनाना चाहता था कॉमेडी के तो कैसे बनाओ कैसे बोला यूट्यूब में डालो अपन बढ़िया बताया कि पैसा खर्चा करे के जरूरत नहीं है अगर आप करा मोबाइल है और आज के समय में तो मैं कहता हूँ सभी जिन करा मोबाइल है तो मोबाइल से ही बना के आप मन वीडियो ला यूट्यूब में अपलोड कर सका था। बहुत बढ़िया जानकारी था। अपन बीच में एक ही बात कहे हैं इनकम के तो यूट्यूब में जो वीडियो पोस्ट करे जाते ऊपर से इनकम कैसे होते एक बारे में हमारे दर्शक मन बताओ। हाँ देखा इनकम जो है ना वो शुरुआत होते 1000 सब्सक्राइबर के बाद और 4000 वॉच टाइम के बाद। अच्छा शुरुआत में आप मतलब 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाना है अपन वीडियो के और 4000 वॉच 4000 घंटा के वॉच टाइम पहुंचाना है। अच्छा ओकर बाद यूट्यूब कर सबमिट करना है कि हाँ हमारे इतना इतना अपन जो लिमिट बता रहे हो तेकर हम कंप्लीट कर डाले हैं कहीं के ओकर बाद यूट्यूब रिव्यू करते चैनल ला कि एकर कंटेंट सही है कि नहीं है कोई एमा आपत्तिजनक चीज़ तो नहीं है एकर चैनल में कोई ऐसे चीज़ तो नहीं है जिन हाँ हमारे टर्म्स एंड कंडीशन वायलेट करे। अगर वह सब टर्म्स एंड कंडीशन सही पाते ओकर बाद तहाँ फिर वह ऑन कर देते मोनेटाइजेशन ला मोनेटाइजेशन बोले जाते हैं यूट्यूब के परिभाषा में मोनेटाइजेशन ऑन कर देते हैं तहाँ फिर इनकम होना शुरू हो जाती है। इनकम ऐसे होते हैं कि आप मन के वीडियो के बीच में एड दिए जाते हैं विज्ञापन वही विज्ञापन के कुछ परसेंट ला आप मन कर शेयर कर दिए जाते हैं यूट्यूब के द्वारा। अच्छा जी तो जैसे आप मन बताया हो कि 1000 सब्सक्राइबर और 40000 4000 घंटा के 4000 घंटा के व्यू होना चाहिए तो एक कोई समय सीमा निर्धारित रहेगा? समय सीमा की ऐसे है कि एक साल में कम्प्लीट करना है। अभी नया नियम चेंज हुई तो अभी जानकारी उतना नहीं दे पाऊँ लेकिन पुराना जो नियम है उसके हिसाब से एक साल के अंदर में ये आप मतलब लिमिट ला कंप्लीट करना होगा। अच्छा तुषार भाई आपो मन चुपचाप बैठे हा आपो मन से एक ठी सवाल हमारे जैसे कि जैसे टेक्निकल जो काम चलते पर्दा के पीछू में एडिटिंग के काम तो एडिटिंग के काम ला आप स्वयं करता हो? नहीं देखा एडिटिंग के काम ला तब को भैया खुद करते ओमा कुछ सलाह हवा कुछ मेरे गड़बड़ हुआ थे या कुछ भी हवा जिन अच्छा आउ कर सके तेन बस ला हमन बतासन बाकी एडिटिंग तो भैया ही करते। अच्छा चलो बहुत बढ़िया बात है और संगी को अभी फिर बेरा आ गया है वह ठीक छोटकन ब्रेक लेके के और ब्रेक के बाद द एडीएम शो के एक झिन आओ संगवारी आए हुए है आशीष सराफ जी ओकर ले आप मन के गोट बात करावो ओकर ले भेंट करवाओ और जो भाई है तुषार मानिकपुरी जी ओला अभी विराम देवो और तुषार भाई अपन हमार शो में आया हमार स्टूडियो में आया जानकारी देकर अपन के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संगवारी हो अभी बेरा है एक छोटकन ब्रेक के अपन कहूँ जहाँ झन सवाल जवाब अभी आनंद भाई से जारी रही देखत रहो हमार कार्यक्रम हमार पौना।
ब्रेक के बाद एक घंव फिर स्वागत है आप मन के कार्यक्रम हमर पहुना में। आप मन देखा था छत्तीसगढ़ के पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल न्यूज 36 और आज के जौन हमर पहुना है एडीएम शो के टीम आनंद भाई ले हम बात करते हैं और टीम के एक और मेंबर जौन है आशीष सराफ वो आज हमारे संग जुड़ चुके हैं। वह आ गए हैं वह हमारे स्टूडियो में। तो आशीष भाई आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जय जोहार। धन्यवाद भैया। जय जोहार। हमन बात करत रहे ना आनंद भाई एडीएम शो द एडीएम शो के नाम के बारे में कि एडीएम का है तो कर बारे में अपन बतात रहे हो का है एडीएम। देखा एडीएम के फुल फॉर्म तो मोर नाम है मोर नाम है आनंद दास मानिकपुरी जो सर्टिफिकेट में लिखा है। हाँ हाँ तो वही है मोर यूट्यूब में पहचान बने है एडीएम शो के नाम से। अच्छा और एक पीछे एक छोटा सा कहानी ये है कि एक पहली नाम जो है ना मोला सजेशन दिस मोर दोस्त है नागेश गुप्ता है रायपुर के रहने वाला मोर दोस्त है मोर साथ में इंजीनियरिंग कर रहे हो। अच्छा तो कर कर मैं शेयर करें कि यार मैं चैनल बनाए हूँ तो नाम हम जरा सजेस्ट करके कि तोरे नाम रखते हैं भाई ते हैं तो मैं आनंद दास मानिकपुरी बड़ा लंबा हो जाए यार अरे शॉर्ट फॉर्म रख लिया इसे कही मैं चल एडीएम रख लेता हूँ तो एक नाम पहले से एडीएम ऑनलाइन। अच्छा काबर की वो टाइम में जब मैं वीडियो बनाऊँ ना तो मैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछे जाऊँ बाहर में ये लगा के थे चुंदी लगा के थे और हाथ ला मतलब पैर लगा बोलते इस टाइप से पूछा मैं और साथ ही साथ ऐसे शो भी कराऊँ जे वहाँ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए जिन हस्ती है जिन बाहर में अपन नाम कमाते हैं बारे में भी बताऊँ तो वो टाइम का नाम है एडीएम ऑनलाइन। अच्छा ओकर बाद जब हमन शो टाइप के बनाना शुरू करें कॉमेडी जब बनाना शुरू करें तब एक नाम ल मैं द एडीएम शो करे हूँ ताकि काबर की है शो टाइप के बन गए इसे तो एडीएम शो बन गए हैं और आज तक नाम चलत आवत है। बहुत बढ़िया बात है भाई बहुत बढ़िया बात बताया नाम के बारे में। आशीष भाई आप मन से सवाल ये रही से कि द एडीएम शो में आपके भूमिका का है आप मन का करते हो। बात ऐसे है भैया द एडीएम शो में मैं बतौर एक्टर और साथ में पहली से ही अमन के एक फैमिली बने हुए हैं। अच्छा तुषार मानिकपुरी जो आनंद भैया के भाई है छोटे होकर साथ में मैं स्कूलिंग करे हूँ। अच्छा और वो टाइम लंगुटिया जा रहे हैं। अच्छा अच्छा और वो टाइम से कह जाए कि अमन एक साथ पढ़ा था एक साथ अमन के मतलब ये उम्र में अमन पहुँच गए हैं और वही टाइम से हमन एक साथ सब चीज काम करा था तो ये चीज के भी हमन ले एक बात पता चल रही से भैया के माध्यम से कि हमन एक नया चैनल बनाए के सोचा था जेमा छत्तीसगढ़ी से रिलेटेड हमन के कुछ भी चीज जोन है वो आगे बढ़ाए जाए तो वो सब चीज में भी हमन के भूमिका हवा साथ में और बतौर एक्टर मैं उमा काम भी करा था और बाकी साथ में हमन के जैसे भैया ला जरूरत पड़ते कुछ भी काम है या फिर एक सलाह मशवरा जोन भी अमन के होते अमन के संग में एक साथ बैठ के किया जाते। अच्छा ऐसे करके अमन के एक पूरा फैमिली बने हुए है। एक चीज बता देता हूँ जैसे कोई एक काम है ना एक जन में डिपेंडेंट नहीं है जैसे प्रोडक्शन के काम है तो कुछ चीज चाहिए प्रोडक्शन में तो आशीष ला बोल दी यही वासु लो यानी वासु नहीं तो सार धर्म वासु की थन वाला दोनों जन बोल दिए जाते और दोस्त यार मतलब बोल दिए जाते तो आशीष वगैरह मन वो सब चीज़ ला जुगाड़ करके और अपन तरीका से वो अरेंज करके रखते तो हम जब सब अरेंज हो जाते हैं तो शूट करते हैं सब मिल के सब मिलजुल सब मिलजुल के काम करते हैं। तो आनंद भाई ये तो बतावा कि आप मन जब ये सोला चालू करे द एडीएम सोला तो एक भाषा ला छत्तीसगढ़ी लेने के का वजह रही हम देखते हैं कि यूट्यूब में बहुत कन चैनल है और ज़्यादातर जो चैनल है ज़्यादातर का लगभग लगभग सब चैनल आने भाषा में ही मिलते हैं हमन ला है ना छत्तीसगढ़ी में खासकर कॉमेडी शो तो बहुत कम इक्का दुक्का ही देखे को मिलते ऐसे समय में आप छत्तीसगढ़ी ला ले के कार्यक्रम बना एकर का विशेष वजह रही। देखा एकर छत्तीसगढ़ी में चैनल बनाए के उद्देश्य जो मोर रही से वो छत्तीसगढ़ी ला ही प्रमोट करे के रही से काबर की मैं देखे हूँ चैनल यूट्यूब जितना भी चैनल है वहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा के बहुत कम चैनल रही से बहुत कम एक साल पहले तो अभी तो हमार चैनल और बड़े बड़े चैनल मतलब देख देख के आओ बहुत जन नया मन शुरू करे हैं लेकिन वो टाइम में बिल्कुल नहीं रही से तो जब मैं चैनल शुरुआत करे के बारे में सोचें तो मैं तो छत्तीसगढ़ी आदमी छत्तीसगढ़ी के से ज़्यादा तो सोचा नहीं मैं
तो वही सोच लम मैं हाँ सामने रख के छत्तीसगढ़ी में ही चैनल जो है स्टार्ट करे मैं हाँ। बहुत बढ़िया बात है, अगर हर छत्तीसगढ़िया इसलिए अपन भाषा ला आगू बढ़ाए के सोचे तो हमार भाषा के नाम है जरूर आगे बढ़ी, हमार छत्तीसगढ़ के नाम है जरूर आगे बढ़ी। आप मन से दोनों जन से मोरे सवाल है कि स्पॉट के चयन अपन कैसे करता हूँ कि ये जगह में हमें शूट करना है, कास्टिंग कैसे करता हूँ और थीम जो रहते एपिसोड के ओला कैसे डिसाइड करता हूँ। देखा स्क्रिप्ट पहले लिखा थे, एक प्रोसेस आवे कि पहले हमन स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, इस स्क्रिप्ट लिखे के बाद ओमा फिर हमन देखते हैं कि मैं कौन कौन जगह और कौन कौन सामान के इस्तेमाल होना है। तो ये चीज में आशीष करा वासु करा हमन बैठ के चर्चा कर लेते हैं या फोन में चर्चा कर लेते हैं। तो यूँ मन बताते हैं कि हाँ ये जगह में ये वाला जो लोकेशन है ये बहुत बढ़िया रही, यहाँ हमन कर सकते हैं, अच्छा ये सामान लगना है तो हाँ ठीक है जुगाड़ लेते हैं। इस तरीके से हमन बिलासपुर के आसपास की जगह ज़्यादातर कोशिश करते हैं, काबर कि हमार लोकल सिटी है, हमार होम टाउन है, यहाँ हमारे सपोर्ट मिलते दोस्त यार मन के घर परिवार मन के, कोशिश करते हैं बिलासपुर के चारों तरफ हम शूटिंग कर सकी, कभी कभी बाहर जाना पड़ते बाहर भी चल देते हैं। तो इस तरीके से हमन लोकेशन ला डिसाइड करते हैं। अब कास्टिंग ला कैसे डिसीजन लेता हूँ? कास्टिंग के ऐसे है कि अभी कोनो आ जावे। अच्छा जैसे जैसे रोल की जरूरत पड़ते हैं अभी ऐसे है कि वैसे हवा है हमारे दोस्त यार मन सब, तो देखते हैं कहानी के माध्यम से कि कौन सा कैरेक्टर है काकर में शूट कर ही और कौन विलेन बन सकते थे कौन हीरो बन सकते थे, ऐसे टाइप से सोचते हैं। दोस्त यार मन कर कॉन्टेक्ट करते हैं तो हम उनका समय लेते हैं एक दिन, तो वो एक दो तीन दिन के अंदर में शूट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया अपन के सिस्टम में चलते कि एक एक चीज ला बारीकी से देख के ओला करना बहुत बढ़िया बात है। राइटिंग और स्क्रिप्टिंग के काम ला कौन करते हैं? राइटिंग और स्क्रिप्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन और एडिटिंग ला मैं यहाँ करता हूँ। और ऐसे है कि मैं तो करता हूँ राइटिंग वगैरह ला, कॉन्सेप्ट वगैरह जो है वो ला पूछ लेता हूँ, तो ब्रोकर आइडिया ले लेता हूँ, कहीं से देखता हूँ तेमल आइडिया ले लेता हूँ, तो कॉन्सेप्ट ला एती ओती ले लेता हूँ, राइटिंग ला कर लेता हूँ, एडिटिंग भी कर लेता हूँ, डायरेक्शन तो मैं खुद करता हूँ, और सहयोग सबके लिए थे, ऐसे कि नहीं मैं अकेला ज करता हूँ, सहयोग सबके लिए थे। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। तो जो आपन के एपिसोड में जैसे शूट करता हो तो आओ भी बाहर से जो एक्टर लेता हो लड़की मनला या लड़का मनला जो लेता हो तो वो मतलब पेमेंट कैसे करता? हाँ देखा एक्टिंग के जो लाइन है मैं तो अभी फिलहाल पर डे के हिसाब से पेमेंट होते, तो ये जो हम बाहर से एक्टर वगैरह बुलाते हैं एक्ट्रेस वगैरह बुलाते हैं पर डे के हिसाब से मन के पेमेंट कर देते हैं। और जैसे अपन हमारे जो फैमिली मेंबर्स है उकरो जो है पेमेंट वगैरह उकरो सब उसी टाइप से कर देते हैं मन। बहुत बढ़िया जानकारी अपन देवा था। एक सवाल जो है अंतिम सवाल मोर ये रही से कि जेमन YouTube चैनल बनाना चाहते और जेमन आप मन के कार्यक्रम ला देखते वह मन जानना चाहिए कि YouTube के माध्यम से आप मन पैसा कमाता हो कि नहीं और कितना कमाता हो कैसे कमाता हो? देखा YouTube की खैर पॉलिसी हवा है तो मैं तो बात नहीं करूँ मैं, लेकिन ये है कि अगर आप मन मेहनत करत हो, अगर आप मन अपन स्टोरी में ध्यान देवत हो, एडिटिंग में ध्यान देवत हो, कंटेंट में ध्यान देवत हो, तो ये मान के चला कि आप मन अच्छा खासा पैसा कमा सकत हो। लेकिन ये है कि आप मतलब पूरा डेडिकेशन के साथ करेल पड़ी, ये नहीं कि एक बार वीडियो बनाई छोड़ दी एक महीना बाद फिर बनाई फिर छोड़ दी दो महीना बाद फिर बनाई, ये कोई फ्यूचर नहीं है सना करिए मन के। तो जी मन पूरा डेडिकेशन के साथ करना चाहते तेने मन उमा करे, खबर कि अभी YouTube अपन नियम सख्त कर दिए है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा के वॉच टाइम कर दिए हैं, तो ओमा तो आओ सब्सक्राइबर बनाए बहुत मेहनत जाते, अगर कंटेंट उम्दा नहीं रही तो सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बन पाही। तो जीवन कंटिन्यू वीडियो बनाही और अच्छा कंटेंट के साथ बनाही तो उकर फ्यूचर जो है वो है यूट्यूब में अच्छा हवा है। और साथ ही साथ सिर्फ पैसा कमाए वाला एमा फैक्टर नहीं है, यूट्यूब के एक दूसरा फैक्टर ये है कि आप मन अपन जो आप मन के फीलिंग हवा है ओला आप अगर दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूँ, तो
तो ओकर लिए बहुत अच्छा माध्यम है यूट्यूब है। तो सिर्फ पैसा कमाए के उद्देश्य से बनाबो ऐसे जरूरी नहीं है, अगर आप मन अपन बात ले रखना चाहते हो पूरा दुनिया कर तो आप मन यूट्यूब के माध्यम से अपन बात ले दुनिया कर रख सकते हो, एक ये भी अपन उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं यूट्यूब से। आनंद भाई, आशीष भाई, आप मन से एक और चीज जानना चाहता रहा मैं, कि अब आप मन लोकप्रिय हो चुके हैं, लोग आप मन ला जानते पहचानते, कहीं जात समय कोई जैसे आप मन के चाहने वाला कोई मिल गए, फैन कह जाए, और जब वो आप मन ला देख के पहचान लेते, अरे आप तो एडीएम शो वाले हो, आनंद भाई हो कि आशीष भाई हो, तो एक ठी सेल्फी मोर संग खिंचा लो, ऑटोग्राफ, ये टाइप के चीज जब होते तब कैसे फीलिंग आते? देखा ऐसे टाइप के इंसिडेंट जब भी बाहर मामन के साथ में होते, आज तक तो कभी ऐसे हुए नहीं रही से, जब हमन ये फील्ड से जुड़े नहीं रहे तब तक। हाँ। जब से ये फील्ड से जुड़े हैं छत्तीसगढ़ में लोग हमन ले जाना थे और पहचान थे, ओकर बाद में जब हमन के साथ में कहीं भी रास्ता में बीच रास्ता में कहीं भी कोई भी मिलते हमन से और हमन के साथ में इस टाइप के कुछ इंसिडेंट होते, तो हमन ला अपन आप में एक बहुत अच्छा महसूस होते और बहुत अच्छा खुशी होते कि हमन ला आजकल लोग भी पहचाना थे और हमन के मेन चैनल के माध्यम से हमन ले जाना थे। बहुत बढ़िया जवाब आप मन लिए हो। आनंद भाई, आप एक का कहना चाहिए? शुरुआत में तो पहली जब मोर सेल्फी ले गैरी से मुझे याद है मैं फोटो कापी कराए गए रहे दुकान में। अच्छा। तो वो टाइम नया नया मोर वीडियो मन वायरल हो रही से तो फोटो कापी कराए गए रहे, तो अब दुकान वाले हम देखा इसे इसे घूर के देखा तो मैं कहे कावड़ देखा तेरे भाई मोला। अच्छा। तो मैं चल भाई फोटो कापी करी से। हाँ। फोटो कापी कर छोड़ दे मोर घूर के देखा, तो फिर कहे ते आनंद मानिकपुरी इसका भैया, मैं कह हूँ तकी जने तोर वीडियो देखता हूँ भैया बहुत बढ़िया लगते हैं, मतलब भैया मैं तोर फैन हूँ। तो वो दिन जो शुरू हुए ना तो वो दिन तो बड़ा अजीब लगी मोला, अरे वाह यार हमरो फैन होगी इसी की क्यों। अच्छा। तहाँ फिर वो दिन के बाद तहाँ आदत होगी से और बहुत प्यार मिली दर्शक मन की, अब जहाँ भी जाता है तब फोटो वोटो खिंचाना तो हमन भी पूरा सहयोग करतन, उमन की भी पूरा सहयोग रही थे, बड़ा अच्छा लगते, बड़ा खुशी होते कि जिला कबू हमन सोचे नहीं रहे जिसना हो सका थे कि हमू मतलब जानी प्यार मिली जनता के, वो अभी हुआ थे एकर माध्यम से तो बहुत खुशी होते। आनंद भाई, एक युवा के रूप में, एक यूट्यूबर के रूप में, एक कलाकार के रूप में, है ना, आप मन जौन युवा मन ये क्षेत्र में जहाँ जाना चाहते हैं ते मन में का संदेश दिया? देखा अब मारे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ताकि आप मन भी थोड़ा पता चल जाए कि मैं हाँ इंजीनियर हूँ, कला से कोई रिश्ता नहीं रही से मोर, एक्टिंग से कोई रिश्ता नहीं रही से, न डायरेक्शन से न एडिटिंग से कुछ रिश्ता नहीं। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लोहा लक्कड़ वाला पूरा पाना पेंजी सैलरी से जैसा जॉब भी कर रहा हूँ मैं। तब का होते कि अंदर में जिन रही थे नहीं कि हाँ ये चीज़ करना है इसे की के, वो धीरे धीरे ना बाहर आ जाते हैं। अच्छा। और अंत में तहाँ अगर बहुत ज़्यादा उफान मारे लग जाते हैं आप मन के वो अंदर के जोश है ना, तहाँ फिर आप मन वो अगर आप मन के अंदर वो कुछ करे जुनून है तो आ जाते हैं। ठीक है। तो वैसे हमरो कर मोर कर हमने तो एक्टिंग उक्टिंग आवत नहीं रही से, यहाँ तक कि हम कॉलेज में एकदम साई रहे, मैं तो बिल्कुल भी शर्मिला लड़का रहे, कुकरों कर बात बात नहीं करते रहे। अच्छा। तेना मैं यहाँ एक्टिंग करे शुरू कर दिए हूँ, अब मुँह कान बनाता तो मोर संगी मन तक कि थे भाई तह तो कॉलेज में गोठियात तक नहीं रहता कैसे मुँह कान बनाता चाहिए ऐसे कहते मन। तो अगर आप मन के अंदर वो जोश है जुनून है कुछ करे के एक्टिंग लाइन में आए के या कुछ भी लाइन में अपन के जाए के, तो बिल्कुल वो जोश बरकरार रखा, एक ना एक दिन आप मन अपन मुकाम तक पहुँच जा। वो एक डायलॉग है शाहरुख खान के पिक्चर के ना कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से पाना चाहो तो पूरी कायनात आपको उस पर मिलाने पर जुट जाती है, वैसी होते आप मन बस शिद्दत से अपना कर्म करते रहो, आप मन के जोश जुनून के लिए जो भी अपन के उद्देश्य है आप मन बिल्कुल सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई, आशीष भाई, आपो मन के बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मन हमार कार्यक्रम में आए हो, हमार पहुना में, और हमार दर्शक मन ले इतका बढ़िया बढ़िया कोट बात करे हो, जानकारी दे हो, अपन शो के बारे में बताए, एक बार आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद, और समय समय में आवा हमार दर्शक मन से रूबरू हो, मतलब जानकारी देवत रहा, धन्यवाद, जय जो। आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद, आप मन हमारे ये मौका दिया आप मन के चैनल में बुला के, तो आप मन के भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में दर्शक मन ला जय जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद।
संगवारी को देखा, कोई भी मनुष्य जब कुछ करना चाहते और कुछ करे के जुनून ओकर अंदर में रहते तो वह जरूर आगे बढ़ते। आनंद भाई है एक सपना देखे कि मैं हाँ कुछ अलग करूँ, हट के करूँ और इंजीनियरिंग जैसे जॉब ल छोड़ के वह ये फील्ड में आईस। आज ओकर नाम बन गए है, आज लोगन मन वाला पहचानते। तो अगर आपके अंदर कुछ करे के जुनून है, जज्बा है, तो आप बिल्कुल सफल होगा। बस जरूरत है तो वो जुनून ला, वो जज्बा ला, पहचाने के और ओमा काम करे के, ओमा आगू बढ़े के। एक संग आज के हमारे कार्यक्रम ले हम उनके विदा ले के बिरा हो गए है। तो हम दे विदा, देखत रहो आपके अपन चैनल न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़, छत्तीसगढ़ के पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल। बोला देवा विदा, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़।